तो दोस्तों अगर आप Redmi का मोबाइल यूज़ कर रहे हैं और Redmi का मोबाइल आपका अगर ऑन नहीं हो रहा है या बैटरी इंडिकेटर स्टक का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है तो कैसे फिक्स कीजिएगा वो मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे पावर बटन को प्रेस करते हैं, प्रेस करने के बाद मी का यहाँ पे लोगो आता है, उसका बैटरी इंडिकेटर का लोगो देखने मिलता है, उसके बाद ये मोबाइल यहाँ पे ऑफ हो जाता है या जो बैटरी का इंडिकेटर होता है वो आपको स्क्रीन में स्टक देखने को मिल जाएगा। सबसे पहले तो क्या करना है, जो आपके पास ओरिजिनल चार्जर है इस ओरिजिनल चार्जर को मोबाइल से आपको कनेक्ट कर लेना है और कनेक्ट करने के बाद अपने मोबाइल को 10 से 15 मिनट आपको यहाँ पे चार्ज में लगा लेना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चार्ज में लगा लेता हूँ। फिलहाल आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरा मोबाइल यहाँ पे चार्ज में लगा हुआ है, तो चलिए 10 मिनट में इसको चार्ज कर लेता हूँ। चार्ज करने के बाद अब आपको क्या करना है, पावर बटन और वॉल्यूम जो अप बटन है इसको दोनों को एक साथ प्रेस करके रखना है और प्रेस करने में मी का लोगो आएगा और उसके बाद बैटरी इंडिकेटर आपको देखने को मिलेगा, पर यह बैटरी इंडिकेटर आपका यहाँ पे स्टक हो जाएगा। और उसके बाद आप पावर बटन वॉल्यूम अप बटन को प्रेस करके रखिएगा तो फिर भी ये इंडिकेटर आपका यहां पे हटेगा नहीं और ये आपको यहां पे बैटरी इंडिकेटर यहां पे देखने मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप यहां पे पावर बटन को और वॉल्यूम डाउन बटन को भी प्रेस करके रखते हैं एक साथ, तो प्रेस करने पर फिर से आप यहां पे देख सकते हैं मी का लोगो यहां पे आता है और बैटरी इंडिकेटर फिर से आपको यहां पे देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ पे पावर बटन को भी प्रेस करके रखिएगा फिर भी आपको इंडिकेटर देखने को मिलेगा, तो आपको क्या करना है, अपने मोबाइल को फिर से यहाँ पे चार्ज में लगा लेना है केबल को, और केबल को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, फिर से इसमें एक बार पावर सप्लाई करना है। जैसे आप यहाँ पे पावर दीजिएगा, पावर देने के बाद दो ऑप्शन यहाँ पे देखने मिल जाएंगे रिबूट का, जिसमें सबसे ऊपर वाला जो ऑप्शन है रिबूट टू सिस्टम, इसको वॉल्यूम अप बटन से इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेना है, देन पावर बटन को प्रेस करके अपने मोबाइल को यहाँ पे रिबूट कर लेना है। तो चलिए मैं पावर बटन को प्रेस कर लेता हूँ। जैसे प्रेस कीजिएगा, प्रेस करने के बाद आपका मोबाइल यहां पे रिबूट होना चालू हो जाएगा। तो चलिए रिबूट का प्रोसेस कंप्लीट कर लेता हूं। अब दोस्तों आप यहां पे देख सकते हैं आपको मोबाइल यहां पे ऑन हो जाएगा और जो भी आपको मोबाइल यहां पे ऑन नहीं हो रहा था, बैटरी इंडिकेटर का प्रॉब्लम मिल रहा था, वो आपका यहां पे फिक्स हो जाएगा।